नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग रिपोर्ट के बारे में, एक आई ओपनिंग रिपोर्ट के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया की क्या हालत है, क्या है प्रॉब्लम्स, और एक सोल्यूशन की बात करेंगे अंत में कि क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम का आईडी यही है और मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी 11,000 से लोग ज़्यादा सब्सक्राइब है। यहाँ पे इस चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स मिलेंगी और इस वीडियो की पीडीएफ भी अवेलेबल कराता हूं मैं। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है 2020 की, जहां पे इंडिया का रैंक है 94। इनफैक्ट ये जो रैंक है, इट इज लोअर देन हमारे नेबर्स जो है साउथ एशिया के, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनसे भी कम है हमारा रैंक। मतलब उनसे भी बुरी तरह है हमारी हालत। तो अगर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन जनरल कहता है कि पूरे विश्व में 690 मिलियन पीपल आर अंडरनरिस्ट। पीपल की बात कर रहे हैं, 144 मिलियन चिल्ड्रन दे सफर फ्रॉम स्टंटिंग और 47 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम वेस्टिंग। तो स्टंटिंग मतलब हाइट कम होना, जिसकी आपकी एज के लिए आपकी हाइट करेक्ट नहीं है, हाइट कम होना इज कॉल्ड स्टंटिंग। और वेस्टिंग का मतलब है जितनी भी आपकी हाइट है उस हाइट के पर्याप्त आपका वेट नहीं है। मतलब स्टंटिंग का मतलब हाइट कम होना, वेस्टिंग का मतलब इन शॉर्ट वेट कम होना आपकी हाइट के अनुसार। तो 144 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन है, 47 मिलियन वेस्टेड चिल्ड्रन है। और अगर हम लोग इस नंबर से इंडिया की बात करें तो इंडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें, 2000 से लेकर 2019 तक यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इंडिया का कंसिस्टेंटली रैंक बहुत ही कम में ही रहा है, 83, 95, 95, 102। तो इन जनरल रैंक इसी रेंज में रहा है और इंडिया के ऊपर बहुत ही कम कंट्रीज हमेशा से रही है। मतलब इंडिया से भी पिछड़े हुए कंट्रीज आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका और दी वॉर रैवेस्ट कंट्रीज। इंप्रूवमेंट है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो चलिए देखते हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअली पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है। इसको एनुअली पब्लिश करते हैं कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हिल्फ। वेल्ट हंगर हिल्फ एक जर्मनी की एनजीओ है, ये दोनों मिलके इसको रिलीज करते हैं। बेसिकली इनका उद्देश्य ये है कि ग्लोब में हम लोग ट्रैक करेंगे कि किस तरह ग्लोबली, लोकली और नेशनली अंडर नरिशमेंट या फिर हंगर कितनी ज़्यादा है। हमारा एक ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कहता है कि जीरो हंगर होना चाहिए वर्ल्ड में 2030 तक। क्या हम लोग वो अचीव कर रहे हैं या नहीं? अगर हम लोग कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हेल्प की बात करें तो वो तीन पैरामीटर्स देखते हैं। एक है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, एक है चाइल्ड मॉर्टैलिटी, अंडर 5 मॉर्टैलिटी रेट की बात करते हैं। तो मतलब अंडर नरिशमेंट, खाना नहीं मिलना, और बच्चों की मृत्यु होना। उसके अलावा चाइल्ड अंडर नरिशमेंट, तीन पैरामीटर्स लेते हैं, 1/3, 1/3, 1/3 इसका कंट्रीब्यूशन है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में आता है आपको वेस्टिंग और स्टंटिंग की बातें करते हैं। तो इन तीन पैरामीटर्स को मिलाकर ये एक नंबर देते हैं और उस नंबर के बिना पर एक रैंकिंग देते हैं। इंडिया का उसमें रैंक है 94। तो जो ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, ये इंफॉर्मेशन लेता है कहाँ से? इंफॉर्मेशन लेता है वर्ल्ड बैंक से लेता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेता है और यूनाइटेड नेशन से लेता है। उस डेटा को कोलेक्ट करता है और फिर एक इंडेक्स निकालता है। और इन लोगों को डेटा कहां से आता है? इन लोगों को नेशंस डेटा प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में एक NFHS चलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये डेटा प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशंस को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे इंडिया में हेल्थ पैरामीटर्स कितने हैं करके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इंडिया में डेटा की प्रॉब्लम है। अगर हम लोग रीसेंट NFHS की बात करें, NFHS 4, तो दैट इटसेल्फ यूज डेटा फॉर 2015 to 2019। तो अगर 2020 वाला जो GHI आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हमारा रैंक 94 है, तो वो भी काफ़ी फ्लॉट डेटा है। उससे भी और कम होना चाहिए रैंक, मतलब और भी बदतर हालत होनी चाहिए हमारी। तो चलिए देखते हैं इंडिया की क्या हालत है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। अगर हम लोग देखें 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया आता है सीरियस कैटेगरी में। सीरियस कैटेगरी
जहाँ पे टोटल स्कोर है हमारा 27.2, जितना कम स्कोर होता है उतना बेटर होता है एक देश के लिए। पहले हमारा स्कोर था 38.9 2000 में, तो दो दशकों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई है। अगर हम इंडिया को कंपेयर करें ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो चाइना और ब्राज़ील क्लियरली हमारे सामने है। इवन साउथ अफ्रीका भी हमारे सामने ही है, हमसे बेटर है। साउथ अफ्रीका का रैंक है 60 और उनका स्कोर है 13.5। इनफैक्ट चाइना ब्राज़ील में दे आर इन सिंगल डिजिट इन टर्म्स ऑफ देयर स्कोर, विच इज़ बेटर। इसके अलावा अगर हम लोग देखिए सीरियस कैटेगरी में जो देश आते हैं हमारे साथ जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है अफ्रीका के, वो आते हैं। उसके अलावा हमारे जो साउथ एशियन नेबर्स है वो हमसे बेटर ही है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमसे बेटर ही है एक्सेप्ट फॉर अफगानिस्तान। तो इंडिया का जो 94वें रैंक है 107 देशों में जिसकी रैंकिंग की गई है, हम और सूडान एक ही रैंक पे है 94, जॉइंटली 94 होल्ड करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें नंबर्स की और, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत इंडिया में 14% पॉपुलेशन है जिनको इनफ कैलोरीज नहीं मिलती है। हमारी चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है 3.7, ऑल्दो पिछले दो दशकों में काफ़ी नंबर कम किया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखें अगर अंडर नरिशमेंट की बातें करें, चाइल्ड अंडर नरिशमेंट स्पेसिफिकली स्टंटिंग और वेस्टिंग की बातें करें, तो वहाँ पे 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन स्टंटेड है, मतलब उनकी हाइट कम है। 17.3% इंडियन चिल्ड्रन आर वेस्टेड, मतलब उनकी हाइट के लिए उनकी वेट पर्याप्त नहीं है, और ये पैरामीटर बदला ही नहीं है पिछले दो दशकों में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2000 में इसका नंबर था 17.1%, अब ये 17.3%। इसके अलावा जो दूसरे दो पैरामीटर्स थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हम लोगों ने देखा इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 290 मेट्रिक टन्स अनाज प्रोड्यूस करते हैं, तो फूड का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स है। अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट हम लोग काफ़ी कम कर रहे हैं, लेकिन चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, वेस्टिंग और स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है। और इसका अगर रीज़न देखें तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इंडिया में हंगर उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सीजनल है, विच इज़ अगेन आई वुड से फ्लॉड आर्गूमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका रियल रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर हम लोग रियल रीज़न की बात करें, लेट अस कंपेयर इंडियन बेबीज विद अफ्रीकन बेबीज। अगर हम लोग अफ्रीका के बच्चों को देखें, अफ्रीका के बच्चे जनरली जब वो पैदा होते हैं तो काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंडर नरिशमेंट आती है क्योंकि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, मतलब अनाज उतना ज़्यादा नहीं है, खाना नहीं है, इसीलिए वो आगे चल के अंडर नरिश हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में केस उल्टा है, इंडिया में जब वो बच्चे पैदा होते हैं तभी काफ़ी कमज़ोर है और आगे चलकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे हम लोग एक क्लियर कट एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम है मैटर्नल हेल्थ में। तो इसीलिए अगर मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि इंडिया में जो मदर्स हैं, जो माएँ हैं, वो काफ़ी यंग हैं, वो खुद ही बहुत शॉर्ट है, खुद ही बहुत पतली है और अंडर नरिश्ड हैं। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और भी हालत उनकी ख़राब हो जाती है। तो इन सब का प्रॉब्लम क्या है? इन सब का प्रॉब्लम है हमारी सामाजिक प्रॉब्लम। सामाजिक प्रॉब्लम मतलब अर्ली मैरिज होती है इंडिया में। अर्ली मैरिज के आप अगर नंबर देखोगे, 42% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स जो है इंडिया में 15 से 19 के बीच, उनका लो बॉडी मास इंडेक्स है और उनको बहुत ज़्यादा एनीमिया है। इसके अलावा 27% जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है 18 साल से पहले ही शादी हो जाती है। तो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। दो फूड पहुंचाने की प्रॉब्लम ज़रूर है, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट खाने की शॉर्टेज हम नहीं कह सकते। अगर हम खुद खाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश के बाहर, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव फूड इनसिक्योरिटी? नो, वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम विच कैन बी रिजॉल्व, बट सोसाइटल प्रॉब्लम्स है मेन। उसके अलावा सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ना कि सीजनल प्रॉब्लम है। सीजनल प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, कुछ हद तक फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल द प्रॉब्लम इज विथ मैटरनल हेल्थ एंड द प्रॉब्लम इज विथ पुअर सैनिटेशन। अगर आप डेटा देखो, 10 में से एक जो बच्चा है अंडर 5, दैट किड सफर्स फ्रॉम डायरिया। तो ये एक मेजर मेजर प्रॉब्लम है। तो आप
मैटरनल हेल्थ अच्छी कीजिए और सैनिटेशन दीजिए, दैट वुड बी योर सॉल्यूशन। तो अगर मुझे सॉल्यूशन की बात करनी है तो ये जो स्लाइड दी हुई है इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, जस्ट उसका एक सार मैं आपको बता देता हूँ। हेल्दी मदर्स हेल्दी बेबीज। तो जो भी प्रॉब्लम है इंडिया में वो आती है हाउसहोल्ड से। तो जिस किसी हाउसहोल्ड में डिप्राइवेशन हो रहा है, वुमेन को डिफ़िकल्टी हो रही है, वुमेन की हेल्थ पे प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। मैटरनल डिस्ट्रेस को रिजॉल्व करना चाहिए, उनको हेल्थ केयर देनी चाहिए, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, गुड सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव की एजुकेशन मिलनी चाहिए, दो बच्चों के बीच अंतर रखने का एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फूड, इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली मैरिज। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। स्लो एंड स्टडी सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, सोसाइटल एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो रिमेंबर, हेल्दी मदर्स इज इक्वल टू हेल्दी बेबीज, एंड दैट इज हाउ वी कैन एंश्योर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बढ़ जाए और स्कोर कम होता रहे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।